सो राधे राधे माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आज सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं मसालेदार भिंडी बनाने जा रही हूँ। मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी कि एक दिन अपने वीडियो में मेरे पसंद की भिंडी भी बनाना। मेरी मम्मी को मेरे हाथ की भिंडी बहुत पसंद है। सो आज इनकी भी नाइट शिफ्ट थी तो मुझे लगा ये भी शूट कर लेंगे, तो इसलिए ये भिंडी लेकर आए थे। ये भरमा भिंडी वाली भिंडी नहीं है, इसमें मसालेदार और भरमा दोनों मिक्स भिंडी बना रही हूँ। सो मैंने यहाँ ये ऐसे भरने के लिए ऐसे मैंने कट कर लिया भिंडी को। ऐसे करके मैं सारी भिंडियों को कट कर दूँगी। अच्छी लगती है मसालेदार भिंडी हो या भरमा भिंडी हो। फिर मैंने प्याज रेडी कर ली थी, मैंने प्याज और हरी मिर्च काट ली। अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी। मसाले के लिए प्याज आप यूज़ कर सकते हैं, प्याज नहीं है तो आप पूरा मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज ले लिया। मैंने प्याज इसलिए ले लिए, थोड़ा क्रिस्पी लगेगा इसलिए। मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला और हल्दी डाली, नमक, मिर्च, थोड़ा सा भुजा हुआ जीरा, ये सब मैंने ऐसे मिक्स कर लिया। आज कुछ नए तरीके से बनाने के लिए मैंने ट्राई किया, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। वैसे मोस्टली जब मैं भरमा भिंडी बनाती हूँ मैं, तो मैं सिर्फ मसाला और उसमें हरी मिर्च और थोड़ी बहुत प्याज लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा प्याज लिए। और सबसे मेन जो होता है वो नींबू डालना भिंडी में, बहुत टेस्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। भिंडी में नींबू तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आया नींबू से। फिर मैंने ये नींबू डाल दिया। अच्छा लगता है, थोड़ा नींबू डालो। और अभी आगे मैं इसमें चीनी भी डालूँगी, अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। यहाँ मैंने अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने हींग डाल दी। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। इन्होंने कट करके रखा था हरा धनिया डाल लिया। अब मैंने यहाँ चीनी डाल दी। मैंने बताया था ना कि मैं चीनी भी डालूंगी, तो थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी। हरा धनिया डाल दिया अच्छे से। इसके ऐसी भिंडी को खाने में ना पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने भी पराठे ही बनाए। इन्होंने बोला पराठे के साथ खाएंगे, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसे अच्छे से यहाँ मिक्स कर लिया। ये मेरी वीडियो बना रही थी, मैं मिक्स कर रही थी। यहाँ मैंने फिर इसको भिंडियों को भरना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि टाइम तो लगता है हम भिंडी को भरने में, तो और मैं खुद ही भर रही थी। इनको मैंने बोला कि तुम भी भर दो, तो इन्होंने एक दो भिंडी भरी, फिर बोले नहीं मुझे भरना नहीं आ रहा, तुम भरो मैं वीडियो बनाता हूँ। ये अगर थोड़ी छोटी छोटी पतली पतली वाली भिंडी होती ना तो बहुत अच्छी से लगती। ये थोड़ी भिंडी भी भरमा वाली भिंडी नहीं है, लेकिन मम्मी ने बोला था कि जब भी भिंडी आए तो वीडियो ज़रूर बनाना, तो मैंने बना ली थी। कोई आए रेडी भी हो गया, ये रेडी हो गया। फिर मैंने गैस पे तेल चढ़ाया। जब हम इस टाइप की भिंडी बनाते हैं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं। फिर मैंने, मेरे पास अजवाइन थी नहीं, वैसे भिंडी अजवाइन में बनती है, वो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने जीरा डाल दिया। लेकिन आप लोग कभी भी भिंडी बनाओ या अरवी बनाओ तो उसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने अब भिंडी डाल दी अच्छे से। और मैंने साउंड इसलिए हटा दिया, वो पीछे से ना टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि साउंड म्यूट ही कर देती हूँ। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसलिए फिर मैंने हटा दिया। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको चला दिया। चलाने के बाद, ऐसे ही थोड़ा चलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी अच्छे से।
और ये देखो भिंडी का कलर आ गया, कितनी अच्छी लग रही है ना। इस टाइप की भिंडी मैंने पहली बार ट्राई की तो मुझे लगा पता नहीं कैसी होगी। फिर एक तरफ मैंने पराठे की तैयारी कर ली और मैंने पराठे भी बनाने लगी मैं। और ये देखो मेरी भिंडी और पराठे और दाल तैयार है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी। राधे राधे माय फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।